भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान से राज्यसभा के उपचुनाव में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बेन सिंह जी के पौत्र बिट्टू साहब को यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया था, जिसका आज नामांकन दाखिल हुआ है और निश्चित रूप से उनका निर्विरोध निर्वाचित होना सुनिश्चित है। उनके राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुने जाने से हमारे यहाँ के किसानों का भाखड़ा बांध से जो जल मिलता है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, उसमें भी हमें सहयोग मिलेगा और इनके राजस्थान से राज्यसभा निर्वाचित होने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने के कारण पंजाब में भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी और राजस्थान और पंजाब के रिश्ते जब बेहतर होंगे और राजस्थान और पंजाब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो आने वाले समय में सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण पूर्ण होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बहुत लाखों किसानों को हमारा जो सिंधु नदी जल समझौते का जल अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जाता है वो हमारे यहाँ किसानों को मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से। अब जब भी पंजाब में चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, हो सकता है बिट्टू साहब भी सीएम फेस बने। किसान को भरपूर सहयोग देने का उन्होंने वादा किया है और निश्चित रूप से चूंकि हमारे रेल मंत्री भी राजस्थान से हैं वैष्णव साहब और बिट्टू साहब उनके राज्य मंत्री हैं, रेलवे का विस्तार होगा, खाद्य आपूर्ति में काम चलेगा, तीनों विभागों में मिलकर राजस्थान को अच्छा फायदा मिलेगा। सिख समाज में पहले से ही है, अगर आप रिसेंटली अभी पार्लियामेंट का चुनाव पंजाब में देखें तो पिछले कम साल के कंपैरेटिवली पिछले चुनाव में जहां 6% वोट बीजेपी को आया था अभी 18% वोट आया। एक महीने तक हम भी वहां पंजाब पटियाला में थे, डे बाय डे बीजेपी वहां प्रोग्रेस कर रही है। इससे पहले हम अलायंस में लड़ते थे, अब जैसे हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो रुझान डे बाय डे बढ़ रहे हैं। पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी पंजाब में शहरों तक सीमित थी, ग्रामीण क्षेत्र में हम कभी चुनाव नहीं लड़े, इस बार हम ग्रामीण क्षेत्र में भी चुनाव लड़ेंगे और नतीजे बहुत अच्छे आए। किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में किया है या पंजाब में किया है या देश भर में किया है, ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी आज तक नहीं कर पाई। राजस्थान के बजट को देखेंगे तो 50,000 सिर्फ इरीगेशन 50,000 करोड़ रुपया सिर्फ इरीगेशन के लिए देना, खरीद के मामले में चाहे गेहूँ हो चाहे आपका प्रोसेसिंग यूनिट्स पे पैसे की बात हो, हर तमाम चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के साथ पहले भी खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। कुछ लोग हो सकता है उनका अलग अलग उनके इश्यूज हैं, पर हम कहीं भी किसान के मामले में कहीं पीछे नहीं हैं। और राजस्थान की सीमाएं और आप देखेंगे कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा में राजस्थान का और पंजाब का महत्वपूर्ण भूमिका है और उसी क्रम में राजस्थान और पंजाब का बहुत अच्छा संबंध है और हमारे राजस्थान के व्यापारी वर्ग मारवाड़ी समाज का पंजाब में बहुत बड़े कई व्यापार कॉरपोरेट में लगे भी हैं, कई प्रकार के संबंध हमारे पंजाब के राजस्थान के हैं। उसी क्रम में आपने जैसा कहा पानी का तो रिश्ता और पानी जल ही जीवन है तो और मजबूत होगा और मैं मानता हूं कि जो भी आज यहां से डिसीजन हुआ है बहुत ही बेहतरीन हुआ है कि यहां से बिट्टू साहब जब राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे और पंजाब को भी करेंगे और राजस्थान को एक और मंत्री मिल गया। आप देखें कि राजस्थान की मंत्रियों की श्रृंखला 6 हो गई तो यानी राजस्थान में समृद्धि अत्यधिक हो गई और इस समृद्धि का पूर्णतः राजस्थान के हम सभी वासी लाभ लेंगे और राजस्थान के विकास में इनकी महती भूमिका होगी और राजस्थान के विकास के लिए उन्होंने संकल्पित होकर आज सबको आश्वस्त किया है कि राजस्थान के विकास में 24 घंटे मैं तत्पर तैयार रहूँगा और निरंतर राजस्थान के विकास के लिए काम करूँगा।